ऑल राइट सर, ये कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक धमाकेदार वीडियो को लेकर के। तो मेरे भाइयों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पर वह ग्लो नहीं रह जाता है और हमारे स्किन क्वालिटी घर से निकलने से पहले अच्छा होता है, बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा स्किन क्वालिटी एकदम खराब हो जाता है और इस स्किन प्रॉब्लम की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता चला जाता है और हम दिखने में एकदम अनहाइजीनिक और अनअट्रैक्टिव बंदे दिखने लगते हैं। और ये फेस प्रॉब्लम खासकर इस गर्मी के सीजन में होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के चेहरे पर फ्रेशनेस और ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 पॉइंट बताऊंगा, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फेस वॉश। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लो, बल्कि आपको अपने फेस को क्लीन रखने के लिए आप लोगों के पास एक फेस वॉश होने ही चाहिए और आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस वॉश लेना है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों का फेस ऑयली है तो आप लोगों को थोड़ा लाइट जेल वाले फेस वॉश को लेना है, और अगर आप लोगों का फेस ड्राई है तो आप लोगों को इसी के अपोजिट क्रीमी फेस वॉश को यूज करना है। और इन दोनों फेस वॉश का परचेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है यूज आइस। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को इस गर्मी के सीजन में अपने फेस पर फ्रेशनेस चाहिए तो आपको अपने फेस पर आइस के एक टुकड़े को यूज करना होगा। तो अब आपको आइस को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले अपने फ्रिज में बर्फ के टुकड़े को जमा लेना है, फिर आपको एक कॉटन के कपड़े में एक बर्फ का टुकड़ा रखना है, फिर आपको अपने फेस पर हल्के हाथ से कुछ इस तरह से बर्फ के टुकड़े को यूज करना है। इससे आप लोगों के चेहरे पर एक अलग सा फ्रेशनेस आएगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के चेहरे पर बर्फ के टुकड़े से ही फ्रेशनेस आ जाएगा, बट अगर आप लोगों को अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए तो तीसरा पॉइंट है हमारा गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। तो मेरे भाइयों, इस पॉइंट को मैं अपने वीडियोस में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करने में, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को अच्छे क्वालिटी वाला बंदा दिखना है तो आप लोगों को अच्छा नेचुरल खाना खाना होगा। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखोगे कि आप लोगों के चेहरे पर नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का मसल गेन भी होगा। और फाइनली चौथा पॉइंट है हेयर कट। तो मेरे भाइयों, हेयर कट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके हेयर से ही शुरू होती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को स्ट्रेट लेवल में ले जाना है तो आपको हर 20-25 दिन के अंदर हेयर कट लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसे अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो ट्रस्ट में आप लोगों के चेहरे पर फ्रेशनेस और नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने दोनों फेस वॉश का परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हेयर स्टाइल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑन कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।